अस्सलाम वालेकुम, अगले लेक्चर में खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम छोड़ा था जिसमें हम विनिंग लॉटरी गेम की एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर लिख रहे थे। बेसिकली उसमें हमने एक तीन रैंडमली नंबर चूज़ किए थे प्राइजिंग अनाउंस करने के लिए, और फिर हमने इफ़ एल्स की स्टेटमेंट के साथ उनकी कंडीशंस को चेक किया था कि अगर तो यूज़र का एंटर करदा नंबर उन नंबर में से मैच करता है तो हम प्राइजेस अनाउंस कर देते थे, वरना यूज़र को कह देते थे कि भाई आप हार गए हैं, ब्राय मेहरबानी गेम दोबारा खेलें। तो बेसिकली गेम दोबारा वो खेल नहीं सकता, उसके लिए प्रोग्राम दोबारा रन करना पड़ता है। तो ये एक बेसिक फ्लॉ था हमारे इस लास्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस कोडिंग में हम इस एरर को दूर करने के लिए बेसिकली मोस्टली प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक इस प्रोग्राम को बार बार चलना होता है जब तक कि यूज़र खुद उसको बंद ना करना चाहे, प्रोग्राम चलता रहता है। तो इस काम को यानी एक ही चीज़ को बार बार करने को लूपिंग कहा जाता है। तो बेसिकली लूपिंग कई किस्म की होती है। मोस्टली जो दो किस्म की लूपिंग इस्तेमाल की जाती है वो फॉर और वाइल लूप है। हम इस प्रोग्राम को भी इसी फॉर्म में मेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र है वो एक काम बार बार करता रहे जब तक कि यूज़र -1 एंटर नहीं करता। ठीक है, प्लीज़ एंटर अ नंबर टू विन और -1 टू एग्ज़िट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ही एक स्टेटमेंट यूज़र को सबसे पहले बता दी है कि भाई अगर आप -1 एंटर करोगे तो प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। तो वाइल वाइल कीवर्ड है WHILE, इसके आगे पैरेंथेसिस में, ये पैरेंथेसिस चूँकि आप ये देखें ब्लैक कलर का वर्ड है, ये कीवर्ड है वाइल, तो इसके आगे पैरेंथेसिस ये डिनोट नहीं करती कि ये फंक्शन है, बल्कि इफ़ की स्टेटमेंट की तरह इसके आगे पैरेंथेसिस यही बताती हैं कि ये ख़ास किस्म की एक्सप्रेशन है जो कि कंडीशन है जिसके ऊपर ये चलेगा। तो बेसिकली ये वाइल लूप एक बुलियन एक्सप्रेशन लेता है, जिस तरह से इफ़ स्टेटमेंट बुलियन एक्सप्रेशन लेती है, सारे उसी तरह की जो स्टेटमेंट्स आप इफ़ में इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तरह की आप वाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होने पर एक बार इफ़ की बॉडी चलती है, जबकि वाइल की बॉडी चलती रहेगी जब तक के वाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी, और जो ही वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी जो स्टेटमेंट है वो एग्ज़िट हो जाएगी। तो बेसिकली आपने वाइल पे ऐसी बुलियन एक्सप्रेशन देनी है जिसके फॉल्स होने पर वाइल की स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो। ओके, सो यहाँ पर हमें बेसिकली -1 चाहिए, वाइल नम इज़ इक्वल टू -1, तो हम ऐसा नहीं करेंगे बल्कि नॉट इक्वल टू -1 कर सकते हैं, वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू -1, ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होगा कि प्रोग्राम जो है वो बार बार चलता रहेगा जब तक कि यूज़र -1 एंटर नहीं कर देता। तो बेसिकली कंडीशंस बनाते वक्त आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने कौन सी कंडीशन बनानी है और कौन सी कंडीशन नहीं बनानी। तो वाइल की कंडीशन में आपने ऐसी कंडीशन बनानी है जिसके फॉल्स होने पर आप बाहर आए, और ठीक है, अब मैं एक नंबर एंटर करता हूँ कोई भी, तो दोबारा वो नंबर मुझसे प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, तो मैं जब तक ये नंबर कोई भी नंबर एंटर करता रहूँगा वो जो मेरे से नंबर लेता रहेगा, और अगर मैं -1 एंटर करता हूँ तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। तो ये कंडीशन है वाइल की जो कि बार बार चलती रहती है। तो कोई भी काम आपने बार बार करना हो तो उसको लूपिंग कहते हैं। तो अब हमने सिंपली अपना जो टोटल प्रोग्राम है वो इसी लूप के अंदर समेट देना है ताकि हमारा जो टोटल प्रोग्राम है वो ही बार बार चले। इंडेंटेशन का ख्याल रखा करें ताकि आप जो है वो प्रॉपरली इंडेंट कर सकें। ठीक है, टैब प्रेस करने से इंडेंटेशन इसकी होती है, तो आप बेसिकली टैब के ज़रिए इंडेंट कर सकते हैं कोड को। ओके, सो जस्ट टू मेक इट श्योर, शिफ्ट टैब से आप वापस आ जाएंगे अगर ज़्यादा इंडेंटेशन हो गई है तो, वरना आप इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोबारा इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन या F11 आप प्रेस करके आप इसको कर सकते हैं। लेट से मैं 45 एंटर करता हूँ, तो सॉरी यू लूज़, 45 नहीं है प्राइस के लिए, 40 नंबर है, तो लेट से मैं 40 एंटर करता हूँ, यू वॉन द फर्स्ट प्राइज़। मैं 145 एंटर करता हूँ, यू वॉन द सेकेंड प्राइज़,
और मैं 250 एंटर करता हूँ तो यू वॉन द थर्ड प्राइज़, और एनी अदर नंबर के ऊपर मैं गेम हार जाता हूँ, तो -1 प्रेस करके मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ। ठीक है, एक और कंडीशन है जिसके ऊपर मैं ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर सकता हूँ, यानी अगर मैन्युअली मैं निकलना चाहूँ, सपोज़ करें अगर मैं गेम हार गया हूँ तो मैं इस गेम से निकलना चाहता हूँ कि अब, यानी कि जब एक बंदा हार जाए तो ऑटोमेटिकली गेम ख़त्म हो जाए, तो सिर्फ ब्रेक का कीवर्ड आप लिखें तो वाइल लूप जो ऊपर लगी होगी वो ऑटोमेटिकली फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने कोई किसी ऐसी कंडीशन पे फोर्सफुली आपने लूप तोड़नी हो, यानी कि जो एक काम आप बार बार कर रहे हैं वो आपने ब्रेक करना हो, तो आप ब्रेक की कंडीशन के साथ आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। देखें, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया जब भी वो कोई यूज़र जो है वो गेम हार जाता है। ठीक है, तो ये सूरत हाल थी वाइल लूप इस्तेमाल करने की। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के अंदर हम आपको वाइल का एक और तरीक़ेकार सिखाएंगे उसको इस्तेमाल करने का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।